है और ये एक सिंगल ईयर ब्लूटूथ रिसीवर है जिसके अंदर आपको ये डिवाइस, यूज़र मैनुअल और एक चार्जिंग केबल मिलता है। और इस वायरलेस रिसीवर की साइज बहुत ही ज़्यादा कम है जिसके वजह से इसे स्पाई ईयरफोन कहा गया, क्योंकि अगर इसे कोई पर्सन लगाकर ठंड के दिन में कैप पहन ले तो शायद वो भी पर्सन भूल जाए कि उसने अपने कानों में ब्लूटूथ रिसीवर पहना हुआ है, तो बाकी दूसरे लोगों की बात करके फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे एक ऑन ऑफ बटन है जो कि मल्टी फंक्शनल है, जिसमें आप म्यूज़िक प्ले पॉज, कॉल रिसीव डिस्कनेक्ट या कॉल भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक खास फीचर यह है कि कॉल्स आने पर ये डिवाइस फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नेम को नैरेट करेगा वॉइस के थ्रू, जिससे आपको फ़ोन को निकाल कर ये ना देखना पड़े कि कौन है वो पर्सन जो आपको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्पाई ईयरफोन है जिसके लिए इसे कॉल्स के क्राइटेरिया में इंडिपेंडेंट रहना होगा ताकि इसे फ़ोन का यूज़ ना करना पड़े। और सेकंड गैजेट के बारे में बोलूँ तो ये कोई न्यू या एडवांस गैजेट तो नहीं है, बट लास्ट गैजेट की तरह ये चीज़ भी अपने कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी कम साइज का है। जैसा कि आप इसके बॉक्स पे देख सकते हैं, ये एक पेन सेल्फी स्टिक है और पेन इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस सेल्फी स्टिक की साइज बाकी सेल्फी स्टिक से काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आप इसे कहीं भी या किसी भी ट्राउज़र के पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हैं। और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है इसके, जिसमें आपको यहाँ पे एक बटन और यहाँ पे एक हेडफोन जैक मिलता है और ये है मोबाइल होल्डर, और इस तरह से इसे स्ट्रेच करके आप अपने फ़ोन को इसमें फिट कर सकते हैं और हेडफोन जैक को कनेक्ट करने के बाद इसे यूज़ कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से लॉन्ग या शॉर्ट में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और फिर यूज़ होने के बाद क्विकली सभी चीज़ों को फोल्ड करके आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड कमिंग टू द थर्ड गैजेट, तो इस गैजेट में लास्ट गैजेट की तरह किसी भी तरह का स्पेशल फीचर तो नहीं है, बट जो नॉर्मल फीचर्स है वही बहुत प्रॉपर है इस गैजेट में, जिसलिए मैंने इसे इन्वॉल्व किया है। ये एक 2600 mAh का पावर बैंक है जिसकी प्राइस भी 299 rupees है, और ये एक क्विक चार्जिंग पावर बैंक है जो किसी भी 3000 mAh बैटरी वाले फ़ोन को लगभग 65% से ज़्यादा एक घंटे में चार्ज कर सकता है। बॉक्स के अंदर आपको ये वाइट कलर का पावर बैंक मिलता है और एक छोटा सा चार्जिंग केबल, और सामने की तरफ पावर बैंक में एक LED इंडिकेटर लाइट है और साइड में एक चार्जिंग इनपुट पोर्ट और एक चार्जिंग आउटपुट पोर्ट है। ओवरऑल ये एक मस्ट हैव गैजेट है उन यूजर्स के लिए जिन्हें रोज रात में घर लौटते समय ये लगता है कि 20-25% बैटरी एक्स्ट्रा होती तो काफ़ी अच्छा होता, तो ये पावर बैंक उनके लिए एक बार चार्ज करके 3 बार यूज में आ सकता है। तो अब आते हैं इस गैजेट कंपाइलेशन का सबसे कूल और इंटरेस्टिंग गैजेट पर, जो है ये ईथरनेट अडैप्टर। इस गैजेट के हेल्प से आप एक ईथरनेट केबल से अपने एंड्रॉयड फोन में डायरेक्टली इंटरनेट यूज कर सकते हैं, चाहे आपका फोन फ्लाइट मोड पर ही क्यों ना हो, जैसा PC या लैपटॉप में होता है। बहुत से बार आपने देखा हो कि होटल रूम्स या प्राइवेट कैफेज में सिर्फ ईथरनेट पोर्ट ही रहते हैं जिनसे आप PC या लैपटॉप में अटैच करके लॉगिन करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए दिया रहता है। बट अगर आपके पास सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन ही है या आपका घर का वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उस समय हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन का क्या करेंगे? एट दैट टाइम दिस गैजेट विल हेल्प यू। सिंपली इसे OTG के हेल्प से अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट करना है, उसके बाद दूसरे एंड में ईथरनेट पोर्ट को इंसर्ट करना है, उसके बाद आप इसमें इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और ये देखकर बहुत सारे लोग शॉक भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में ईथरनेट सपोर्ट भी होता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एंड आई होप कि सारे गैजेट्स हर बार की तरह इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल तो थे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा ताकि मैं इसी तरह का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी पोस्ट कर सकूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो